अगर आप ह्युंडई की किसी भी कार को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं देन बद्रिका ह्युंडई सतना में आकर संपर्क कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू एएम ऑटोमेट। आज हम आपके लिए सबसे ज़्यादा डिटेल वीडियो लेके आए हैं ऑन द ह्युंडई i20। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि ये न्यू जनरेशन i20 है तो इस वजह से गाड़ी में आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आपको इस गाड़ी के ग्रिल में देखने को मिलता है, जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आती है। और गाड़ी में आपको काफ़ी सारे क्रीजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से गाड़ी एक एग्रेसिव लुक स्टैंड आउट करती है। बात आप गाड़ी के लाइट्स प्लेसमेंट की करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर है। अंडरनीथ आपको यहाँ पर DRL मिल जाता है विद फॉग लैम्प, और यहाँ पर आपको एक स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देती है। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में आते हो तो DRL आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और आपको वहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिए जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। साथ में अगर आप इस गाड़ी में देखोगे तो आपको यहाँ पर पैनल गैप भी बहुत कम दिए गए हैं। बात अब इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की जाए तो इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से पहला है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, दूसरा है 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन और तीसरा है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। बात अब इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की जाए तो साइड से गाड़ी काफ़ी अपीलिंग है। आपको साइड्स में भी गाड़ी में काफ़ी सारी क्रीजेस देखने को मिलती हैं, जिस वजह से गाड़ी एक एग्रेसिव लुक देती है। और इस गाड़ी में आपको 15 इंचेस के इस रिम्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आपको बेस वेरिएंट से ही 15 इंचेस के मिलते हैं, जो कि सेगमेंट में आपको 14 इंचेस के व्हील प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ग्राउंड क्लीयरेंस इस गाड़ी की अभी अनवील नहीं कराई गई है, पर जो पहले पुराने वाली i20 थी उसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती थी, तो उम्मीद है कि इसमें भी आपको 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगी। साथ ही इस गाड़ी में आपको बॉडी कलर ORV मिल जाते हैं और बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बी और सी पिलर आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, साथ में यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास आपको देखने को मिलता है। गेटिंग इन एंड आउट कार में काफ़ी इजी है। फ्रंट डोर्स जो हैं 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और रियर डोर्स में भी एक्सेस में उतनी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो डोर्स जो हैं 90 डिग्री ओपन नहीं होते हैं। बैक से बात करें गाड़ी की, तो बैक से गाड़ी में आपको काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। आपको इस गाड़ी में यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में ये एलिमेंट देखने को मिलता है और साथ में ये एलिमेंट भी आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। टेल लाइट्स आपको अक्रॉस द कार रन करती हैं, आपको ये कनेक्टेड बेसिकली ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ पर आपको LED टेल लाइट्स दी जाती हैं। और यहाँ पर i20 की बैजिंग आपको देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। और ये एलिमेंट आपको स्पॉइलर काइंड लगेगा, बट ये स्पॉइलर है नहीं। और ऊपर आपको एक एंटीना देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको दो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और अंडरनीथ यहाँ पर एक ब्लैक एलिमेंट में स्किड प्लेट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी के साथ में। और यहाँ पर आपको दो रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं साइड। अब अगर आपको गाड़ी के फ्यूल लिड को ओपन करना है तो आप गाड़ी के अंदर से नहीं कर पाएंगे। गाड़ी अगर आपकी अनलॉक है तो आप इसको एक बार ऐसे प्रेस करेंगे और ये अपने आप ऐसे खुल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और एक डिज़ाइन जो इसमें ये टेल लाइट के शेप में आता है, काफ़ी नीट फिनिश है यहाँ पे दी गई है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। बात अब गाड़ी की बूट स्पेस की करें कि आपको इनसाइड द कार कितनी बूट स्पेस मिलती है, सो लेट्स ओपन द बूट ऑफ द कार। तो इस गाड़ी में आपको 311 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा नहीं है, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिल जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप इस गाड़ी की सीट को फोल्ड कर सकते हैं, जो कि 100% फोल्ड है। 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं मिलता है आपको। और अंडरनीथ आपको यहाँ पर 14 इंचेस का स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब करते हैं गाड़ी का बूट बंद और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। एक चीज़ और आप इस गाड़ी में नोटिस करोगे कि ये गाड़ी पहले से काफ़ी वाइड हो चुकी है। पहले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड गाड़ी थी टाटा एल्ट्रोज, लेकिन जब से ये न्यू जनरेशन i20 आई है तब से यही सब सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वाइड कार है।
बात अब इस गाड़ी के इंटीरियर की करें तो गाड़ी के इंटीरियर से काफ़ी प्रीमियम है। आप जब भी इस गाड़ी में बैठोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं। और ह्यूंडई का हमेशा से ये रहा है कि जब भी मटेरियल सिलेक्शन की बारी होती है तो हमेशा एक अच्छा मटेरियल चूज़ करते हैं, और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी गाड़ी काफ़ी सही है और आपको काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड है, और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और ग्लव बॉक्स में भी आपको एक अच्छी स्पेस देखने को मिलती है। साथ में आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और एक USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको AC के नॉब्स देखने को मिल जाते हैं, और जो गाड़ी का स्टेयरिंग है वो टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक भी एडजस्टमेंट मिलता है इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से। बाकी जो सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिनके टॉप वेरिएंट में भी आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। स्टेयरिंग में आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर साइड आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर का कंट्रोल दिया गया है, और स्टेयरिंग व्हील आपको कहीं ना कहीं क्रेटा इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। और जो कम्फर्ट है इस गाड़ी की सीट का वो काफ़ी अच्छा है, और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है। और गाड़ी की सीट्स 6 बे एडजस्टेबल हैं वो भी बेस वेरिएंट से, जो कि इलेक्ट्रिकली नहीं है, और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स में आते हो तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली सीट्स एडजस्टेबल देखने को मिलेंगी, पर बेस वेरिएंट्स में आप 6 बे सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो वो भी मैनुअली। डोर्स में आपको ऑल पावर विंडो के कंट्रोल और साथ में ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, और एक चाइल्ड लॉक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और को ड्राइवर साइड आपको एक वैनिटी मिरर जरूर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है, और साथ में आपको यहाँ पर IRVM मिल जाता है जिसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल जो गाड़ी के इंटीरियर्स है वो पहले से काफ़ी बदल गए हैं और एक प्रीमियमनेस आपको देते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, वो भी प्रीमियम क्वालिटी बोस के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको ये पैरेलल लाइन देखने को मिलती हैं जो कि अक्रॉस रन करती हैं AC वेंट्स के। और इस गाड़ी में आपको टच स्क्रीन बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, आपको जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 10.2 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, पर क्योंकि ये बेस वेरिएंट है इस वजह से आपको यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं प्रोवाइड की गई है, बट ये जो बटन्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और बिफोर मूविंग टू द बैक सीट, गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड आपको ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विथ EVD और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। अब सेकंड रो के कंफर्ट की बात करें तो सेकंड रो काफ़ी स्पेशियस है, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, और ये सीट जो है फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और मुझे प्रॉपर लेग रूम और नी रूम भी मिल रहा है, और थाई सपोर्ट भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, बट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं बेस वेरिएंट्स में। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स में आते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं, और हैंड रूम भी गुड इनफ है, और बट यहाँ पर आपको रियर AC बेंच प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और एक आपको USB पोर्ट मिल जाता है जो कि गाड़ी को प्रीमियम बना देता है। और डोर्स में भी आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हैं, साथ में आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, और एक पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। सो ओवरऑल गाड़ी स्पेस के मामले में सॉर्टेड है, यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, और एक क्वार्टर ग्लास भी अवेलेबल कराया गया है जिसकी वजह से गाड़ी का कैबिन जो है एरी रहता है। यहाँ पर एक हुक मिल जाता है, एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है विथ हुक, और यहाँ पर एक रीडिंग लैंप मिल जाता है। सो बैक सीट पैसेंजर्स के लिए इतना ही था, अब आते हैं वर्डिक्ट्स पे कि आपको ये कार कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस गाड़ी को कंसीडर करने के लिए मैं आपको 3 वजह बताऊंगा। पहला तो इस गाड़ी में आपको सेगमेंट लीडिंग फीचर्स मिलते हैं, दूसरा इस गाड़ी में आपको ये गाड़ी काफ़ी वाइड है जिस वजह से आपको इनसाइड काफ़ी स्पेस मिल जाती है जिसमें से 3 जन आराम से बैठ के जा सकते हैं। साथ में इस गाड़ी में आपको 15 इंचेस के व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, तो ये 3 वजह थी जिस वजह से आप ये गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो।